नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान JET 2021 का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थियों का आशा करते हैं पेपर अच्छा गया होगा। साथियों, आपको इसकी सटीक आंसर की एग्रीकल्चर बायोलॉजी व केमिस्ट्री की संपूर्ण आंसर की आपको आज के इस वीडियो पर उपलब्ध होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपका कौन सा राइट आंसर गया है, कौन सा गलत आंसर गया है, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अब साथियों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, चावल के खेरा रोग की खोज किसने की? तो साथियों, इसका सही आंसर है वह है फोर्थ वाई एल नेने द्वारा चावल के खेरा रोग की खोज की गई। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, गेहूं में FIRB विधि की बीज दर क्या है? तो साथियों, इसका दूसरा आंसर सही है 75 किलोग्राम। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजरा का परीक्षण भार टेस्ट वेट क्या है? तो साथियों, इसका तीसरा आंसर सही है 5 ग्राम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर की कम अवधि की किस्म कौन सी है? तो साथियों, इसमें जो आंसर जाएगा वह सभी अरहर की कम अवधि की किस्म है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका दूसरा आंसर सही है वह है आइसोहाइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मैक्सिकन गेहूँ की कोलियोटाइल लंबाई सेंटीमीटर में क्या होती है? तो इसका पहला आंसर सही है वह आएगा साथियों 5। ठीक है, इसका पहला आंसर सही है। अब नेक्स्ट है, इक्रिसेट क्या है? अब देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, इक्रिसेट क्या है? तो इक्रिसेट क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसका सही आंसर जाएगा तीसरा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथाइरस में BOAA की सुरक्षित बीमा क्या है? तो साथियों, इसका चौथा आंसर सही जाएगा, ये चौथा आंसर सही जाएगा 0.2% से कम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे अधिक मोठ का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान, इसका सही आंसर है वह है तीसरा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जैविक कृषि के जनक कौन है? तो इसका तीसरा आंसर सही है अल्बर्ट होवार्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट IFOAM की स्थापना कब हुई? तो साथियों, इसका चौथा आंसर 1972 सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय जैविक खेती कहाँ पर है? तो इसका पहला आंसर गाजियाबाद सही है साथियों। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उनका सही आंसर क्या है। अब देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 54 नंबर का क्वेश्चन और इसका सही आंसर क्या जाएगा, अवांछनीय परेशानी व मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को कहते हैं? तो विषैला खरपतवार, इसका तीसरा आंसर सही है। क्या है साथियों, इसका तीसरा आंसर सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आइसोप्रिटोलोन की जगह कौन सा खरपतवार नाशक काम में लेते हैं? तो इसका दूसरा आंसर मेट सल्पुरोन सही है साथियों। अब हमारा नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी है? तो इसका तीसरा आंसर सही जाएगा हजारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां, मैंड्रिन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा सिट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है साथियों, अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल एक लिंगाश्री है? तो इसका चौथा आंसर पपीता सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो इसका दूसरा आंसर सिंधु सही जाएगा साथियों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले केले की किस्म है? तो इसका सही आंसर ड्वार्फ कैवेंडिश जाएगा। अब साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, आम की अंबिका किस्म किन दो प्रजाति का संकरण है? तो साथियों, इसका दूसरा आंसर सही जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद का वानस्पतिक नाम है? तो सीडियम गुआजाओ, इसका दूसरा आंसर सही जाएगा। अब हमारा 23वां क्वेश्चन है, वर्षा उपहार किसकी किस्म है? तो साथियों, वर्षा उपहार भिंडी की किस्म है, इसका पहला आंसर सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली की बीज दर क्या है? तो साथियों, इसका तीसरा आंसर 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि है? तो साथियों, इसका तीसरा आंसर सही जाएगा, कलम या कटिंग विधि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फूल गोभी की ब्राउनिंग किसके कारण होती है? तो बोरोन की कमी के कारण, इसका नंबर 1 आंसर सही जाएगा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम तापमान चाहिए। तो साथियों इसका तीसरा आंसर सही जाएगा, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है साथियों, इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का खाद्य हिस्सा कौन सा है। तो साथियों इसमें केले का खाद्य हिस्सा मेजोकार्प व एंडोकार्प दोनों होता है। देखो वह क्या मानते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों इसके खाने योग्य भाग होते हैं। अब देखो हमारा 29वां, अनार की रोपण दूरी क्या है मीटर, इसका दूसरा आंसर सही जाएगा। ओलियोरेजिन किससे प्राप्त होता है, तो इसका चौथा आंसर मिर्च सही जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवर के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो भेड़, इसका दूसरा आंसर सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अंडे उत्पादन में सर्वोच्च है। तो साथियों इसका तीसरा आंसर तमिलनाडु सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो जोहड़ बीड़ बीकानेर, इसका तीसरा आंसर सही जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान पर है। तो इसका सही आंसर जाएगा वह है तीसरा, कोची। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है साथियों, उस पर चर्चा करते हैं। हमारे नेक्स्ट स्लाइड, आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां, धान के पुआल की पाचकता को बाधित करने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो इसका दूसरा आंसर सिलिका सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेन में अमोनिया और कुल VFA का सकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, भेड़, इसका सही आंसर जाएगा। अब हमारा 36वां क्वेश्चन है, गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी का सबसे प्रारंभिक लक्षण है, वह साथियों जीरोप्थैलेमिया, इसका तीसरा आंसर सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दूध वसा के रख रखाव के लिए कुल राशन में प्रतिशत NDF महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका चौथा आंसर 36 सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39वां, यह क्वेश्चन है साथियों, यदि अनुपूरक आहार की CP सामग्री से ऊपर है तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती। तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा, 25%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, NDRI कहाँ पर स्थित है। तो इसका दूसरा आंसर करनाल सही जाएगा साथियों। ये आपके एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम बायोलॉजी व केमिस्ट्री के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे साथियों। आशा करते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही गए होंगे, आप अपना मूल्यांकन कर लें। अब देखो बायोलॉजी का प्रश्न पत्र सोल्व करते हैं। बायोलॉजी का पहला प्रश्न है साथियों, वह है द्विनाम पद्धति संदर्भित करता है। तो इसका तीसरा आंसर सही जाएगा, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, वह साथियों, कुल सवनी पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फल नहीं है, वह समूह से संबंधित है। तो इसका तीसरा आंसर सही जाएगा, अनावर्त बीजी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवनी पौधा है। तो इसका भी तीसरा आंसर सही जाएगा, टेरिडोफाइटा। चौथा हमारा क्वेश्चन है साथियों कि शलजम का खाने योग्य भाग्य है। तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा, रूपांतरित मूसला जड़े। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मक्का या गेहूं में फल का प्रकार है। तो इसका चौथा आंसर सही जाएगा, कैरियोप्सिस। साथियों अब हमारा नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, उसकी स्लाइड खोल लेते हैं। छठा क्वेश्चन साथियों यहाँ पर कट रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ अंग्रेजी वाले में बता देता हूँ। इसने यूँ कहा है, प्ल्यूम्यूरल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है, जिसे कहते हैं प्ल्यूम्यूरल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे साथियों तीसरा आंसर से जाएगा, कैलियोप्टाइल। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम का उत्पादन होता है। तो इसका दूसरा आंसर से जाएगा, केंद्रक में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल प्रस्तावित किया था। तो सिंगर और निकोलसन द्वारा, इसका तीसरा आंसर सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ निरंतर है। तो साथियों इसका पहला आंसर गोल्जी बॉडी सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्लाज्मो डेसमेटा है। तो इसका पहला आंसर आसन कोशिका के बीच संबंध, ये सही जाएगा।
अब हमारा 11वां क्वेश्चन है साथियों, जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जड़ का दबाव किसके कारण। हमारा 11वां क्वेश्चन है, जड़ का दबाव किसके कारण होता है। तो साथियों इसका दूसरा आंसर सही जाएगा, सक्रिय अवशोषण के कारण। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है साथियों कि पौधे के स्टोमेटा खुलने का कारण है, तो इसका भी चौथा आंसर सही जाएगा, पोटेशियम आयनों की प्रवाह। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर जायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का कार्य करता है उसे कहते हैं, तो इसका पहला आंसर वर्तिकाग्र सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 14वां, बिना निषेचन के फल का निर्माण कहलाता है पार्थेनोकार्पी। ठीक है साथियों, इसका दूसरा आंसर सही जाएगा। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा, जीन का केवल एक एलील। अब हमारा नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है साथियों, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब, इसका दूसरा आंसर सही जाएगा, माता पिता शुद्ध प्रजनन है। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है साथियों, देखो 17वां क्वेश्चन क्या है, तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा साथियों कि किसने साबित किया कि डीएनए बुनियादी आनुवंशिक सामग्री है, तो इसका चौथा आंसर सही जाएगा, हर्ष व चेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, ओपेरोन का एक जीन जो एक प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है, तो इसका पहला आंसर सही जाएगा, रेगुलेटर जीन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, कपास इसका एक उदाहरण है, तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा, सतह फाइबर का, सरफेस फाइबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 20वां, कि भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल है, तो इसका पहला आंसर सही जाएगा, केला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम में होता है, तो इसका तीसरा आंसर एस्कार्बिक एसिड सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कपास की कल्टीवेटेड स्पेसीज है, ये सुसंस्कृत का अर्थ होता है साथियों कि खेती करने लायक कितनी स्पेसीज है, तो इसका साथियों दूसरा आंसर सही जाएगा, चारों की चारों वेराइटियाँ हैं जो खेती करने के लिए होती है। अब हमारा नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है साथियों, यह हम पढ़ लेते हैं, इसको मैं सीधा कर देता हूँ साथियों, फिर आप पढ़ लेना, इसका सीधा करवा देते हैं इसको, ये थोड़ा सा हो रहा था साथियों, तो इसको सीधा कर दिया जाता है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि एंटीबायोटिक टेट्रामाइसिन किससे प्राप्त होती है, तो साथियों इसका दूसरा आंसर से जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है साथियों कि पहली ट्रांसजेनिक फसल है, तो इसका तीसरा आंसर तंबाकू एकदम बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 25वां, स्यूडोमोनास रूबिलिनियस लालधारी बीमारी किसके कारण बनता है, तो इसका चौथा आंसर सही जाएगा साथियों, गन्ना। इसका चौथा आंसर गन्ना सही जाएगा। अब देखो 26वां क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में कैसा पोषण होता है, तो होलोजोइक। इसका पहला आंसर सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केचुए में क्लिटेलम में खंड शामिल है, तो साथियों इसका तीसरा आंसर सही जाएगा, 14, 15 व 16। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, कि प्राकृतिक प्रणाली की वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो साथियों इसका तीसरा आंसर सही जाएगा, फिलोजेनी और आकारिकी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, इसमें कहा गया है मेटारिजियम किस फाइलम की विशेषता है, तो दूसरा आंसर से जाएगा, एनेलिडा। अब हमारा 30वां क्वेश्चन है साथियों कि पानी सवनी प्रणाली किस में पाया जाता है, तो पूरी फेरा। इसका पहला आंसर सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तक जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, तो इसका पहला आंसर कंडवा सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खपरा बीटल किसका कीट है, तो इसका चौथा आंसर सही जाएगा साथियों, संग्रहित अनाज का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कपास बोलवम के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो इसका पहला आंसर ट्राइकोग्रामा बिल्कुल सही जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निमेटोड जो अल्सर बनाता है, तो इसका सेकंड आंसर हेटेरोडेरा सही जाएगा साथियों। अब हमारा 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसको विशाल मधुमक्खी कहा जाता है? तो इसका पहला आंसर एपिस डोरसाटा सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टिड्डी अंडे देती हैं, तो इसका चौथा आंसर मिट्टी के अंदर बिल्कुल सही जाएगा साथियों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त जमावट की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो इसका दूसरा आंसर 3 चरणों में विभाजित किया गया है, यह जाएगा साथियों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, लगभग 78% CO2 रक्त में किस रूप में ले जाया जाता है? तो इसका दूसरा आंसर बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 शुक्राणुनोज बनाने के लिए कितनी संख्या में माध्यमिक शुक्राणुनाशक आवश्यक है? तो इसका पहला आंसर 20 बिल्कुल सही जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी शुक्राणुओं के मध्य का टुकड़ा रखता है, तो इसका तीसरा आंसर सही है साथियों, केवल सेंट्रीओल्स। ये सारे साथियों हमारे बायोलॉजी के हो गए थे, एग्रीकल्चर के हमने कर लिए, बायोलॉजी के हमने कर लिए। अब केमिस्ट्री का मैं वन बाय वन करके आपको बता देता हूँ। देखो साथियों, यदि पहला क्वेश्चन है यदि 5 ग्राम NaOH को 450 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित हैं, तब विलयन की मोलरता क्या होगी? तो साथियों इसका दूसरा आंसर सही जाएगा 0.278 m। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई है, तो इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सही जाएगा सेकंड माइनस वन। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि आरहेनियस समीकरण के बराबर ए इलेक्ट्रॉन ई माइनस ई अपॉन आर टी का स्लोप होगा। तो साथियों इसका पहला आंसर बिल्कुल सही जाएगा माइनस ई ए अपॉन ए बटा आर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा साथियों कि केलामिन एस्क किस धातु से संबंधित हैं? तो यह जिंक से संबंधित है। किससे साथियों? हमारा चौथा क्वेश्चन रह गया साथियों कि उत्प्रेरक का प्रयोग किस अभिक्रिया परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका तीसरा आंसर अभिक्रिया की एक्टिवेशन ऊर्जा को। अब देखो केलामिन किस धातु का अयस्क है? तो साथियों जिंक का अयस्क है। अब नेक्स्ट देखो 3D श्रृंखला में नीचे दिए गए किस संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम है? तो साथियों इसका दूसरा आंसर सही जाएगा मैग्नीज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां साथियों जो हम देखते हैं। देखो इसमें कटा हुआ है तो आपको इंग्लिश में बता देते हैं साथियों, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीशियम कि Mn, इसने कहा है Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या है साथियों? तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा 5.92। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा आठवां है साथियों कि संख्या 100 में कितने सार्थक आंकड़े हैं? तो इसका पहला आंसर सही जाएगा 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6 4s2 है तो उसका प्रतीक क्या है? तो इसका तीसरा आंसर सही जाएगा आर्गन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बोहर त्रिज्या का सूत्र होता है, तो साथियों बोहर त्रिज्या का सूत्र इसका तीसरा आंसर सही जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसका भी तीसरा आंसर सही जाएगा कि आयनिक यौगिक में आयनों के मध्य आकर्षण और इलेक्ट्रोस्टैटिक और दिशाहीन होता है, यह आंसर सही जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है साथियों वुटीजिट जिंक सल्फेट की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, तो इसका साथियों चौथा आंसर सही जाएगा 4:4। अब देखो नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है साथियों, उस पर हम चर्चा करते हैं कि वेस्पर थ्योरी पर कहा गया है वेस्पर थ्योरी के अनुसार I3- का आकार होता है, तो इसका तीसरा आंसर रेखीय सही जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 14वां, इसमें क्या कहा गया है प्रथम आवर्त में प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही क्रम चुनें? तो साथियों इसका दूसरा आंसर सही है, देखो दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 15वां,
यदि एक गेंद का द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम और वेग 10 मिनट प्रति सेकंड है तब उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी। तो इसका दूसरा आंसर बिल्कुल सही जाएगा साथियों, 6.626 × 10⁻³⁴ मीटर। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। एजी का कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा साथियों, एजी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, तो दूसरा आंसर सही जाएगा। अब 17वां देखो, H2O का बंधन कोण कितना होता है साथियों। तो इसका तीसरा आंसर सही जाएगा, 104.5 डिग्री। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। इसमें कहा गया है साथियों कि निम्न में से कौन सा उष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। तो 18वें का पहला एकदम बिल्कुल सही जाएगा, 18वें का पहला। 19वां क्वेश्चन कहा गया है, PCl5, PCl3 और क्लोरीन में 500 डिग्री केल्विन पर साम्यावस्था है और उसकी सांद्रता 1.59 m और PCl की 1.59 m, क्लोरीन की 1.41 m की PCl5 है, तब अभिक्रिया के साम्यावस्था कांस्टेंट की गणना करो। तो इसका पहला आंसर से जाएगा 1.79। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसका पहला आंसर से जाएगा साथियों, +1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 21वां कि CH2 डबल बॉन्ड CH3 में कितने पाई व सिग्मा बॉन्ड है। तो ये देखो, इसका जो आंसर सही जाएगा वह है पहला वाला साथियों, कि 9 तो सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। अब 22वां क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत कण संचलन है। तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा, BF3। अब देखो 23वां क्वेश्चन है साथियों, अल्ट्रावायलेट प्रकाश में मीथेन के क्लोरीनीकरण से क्या उत्पाद बनता है। तो इसका पहला आंसर सही जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब 24वां क्वेश्चन है साथियों, लिंडलर उत्प्रेरक है। तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा, PD/Cu। अब देखो नेक्स्ट हमारा 25वां क्वेश्चन है साथियों कि फेनांथ्रेन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका दूसरा आंसर सही जाएगा, 14। ठीक है साथियों, अब 26वां क्वेश्चन है, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो इसका 0.5% आंसर सही जाएगा, पहला वाला। ठीक है, अब देखो 27वां क्वेश्चन है साथियों, 27वां क्वेश्चन देखते हैं हम कि एजोलो का उपयोग किसकी खेती में किया जाता है। तो इसका चौथा आंसर चावल बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला वृक्ष जो वायु प्रदूषण को रोकता है। इसका पहला आंसर खेजड़ी सही जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका ग्रीक आंसर सही जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो इसका जिप्सम चौथा आंसर सही जाएगा साथियों। अब देखो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है हमारा, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका पहला आंसर केसिन प्रोटीन जाएगा साथियों, पहला आंसर। अब नेक्स्ट है 32वां, पौधे मृदा से नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं। तब इसका पहला आंसर से जाएगा, नाइट्रेट। पहला आंसर जाएगा साथियों, नाइट्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां, मृदा रसायन के जनक है। तो इसका पहला आंसर जाएगा, इसका जे थॉमस वे। अब देखो नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है साथियों हमारा, वह हम देखते हैं, जूम करते हैं इसको, मिट्टी की पीएच क्या मिलाने पर बढ़ती है। तो इसका पहला आंसर जाएगा साथियों, चूना मिलाने पर बढ़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश खाद्य फसलों के लिए आवश्यक है। तो इसका दूसरा आंसर, न्यूट्रल पीएच अधिकांश खाद्य फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। 36वां क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी में पाया जाने वाला वृहद पोषक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इसका साथियों तीसरा आंसर से जाएगा, कैल्शियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में पाया जाने वाला सूक्ष्म पोषक है। तो इसका भी तीसरा आंसर से जाएगा, मैग्नीज। अब देखो नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है साथियों, प्राकृतिक रबर की मोनोमर इकाई है। तो इसका दूसरा आंसर जाएगा साथियों, आइसोप्रीन। और नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है साथियों, एंटासिड क्या है। तो इसका दूसरा आंसर से जाएगा, एसिड के कारण हुए पेट दर्द को
कम करते हैं। ठीक है, अब हमारा 40वां लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो इसका पहला आंसर पेनिसिलिन, बिल्कुल सही है। अब साथियों आप मुझे अपने पेपर का काउंटिंग करके बताना कितने आपके सही गए हैं, कितने आपके गलत गए हैं। साथियों यह आंसर की बिल्कुल ऑथेंटिक है, अगर फ़र्क आएगा तो भी एक दो क्वेश्चन में आएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अब आप एनालिसिस करना कि कितने आपके क्वेश्चन सही गए हैं, कितने गलत गए हैं, कितने नंबर आए हैं, और आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथियों जब भी काउंसलिंग होगी तब आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको कॉलेज बढ़ने हैं, अन्यथा अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी गई है, आप से व्हाट्सएप वगैरह से जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं पूरा का पूरा पेपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। साथियों आसानी से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उससे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों मैं आशा करता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।